हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस जेके में स्वागत है। मैं हूं जेके सर, ओनर ऑफ की टू सक्सेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महामारी के इस दौर में एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर एक तरफ मानव जात बुरी तरीके से हैरान, परेशान एवं घमासान है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण कुछ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र या स्कैम तो नहीं चल रहा है? तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या हो सकता है? तो आइए, मैं आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, जिसको आप सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक दो बार देख या सुन चुके होंगे, जिससे आप सबक लेकर स्वयं को एवं अपने सगे संबंधियों को कुछ हद तक सेफ रख सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि हॉस्पिटल में जिस वार्ड में कोरोना संक्रमित लोगों को रखा जाता है एवं उनका इलाज किया जाता है, उस जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और जहाँ उनकी मृत्यु होती है जिस वार्ड में, उस वार्ड से लेकर बाहर आते तक के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उस सीसीटीवी कैमरे का लाइव प्रसारण हॉस्पिटल के बाहर होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक के रूप में आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं और यह करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, यह देखना हमारा अधिकार है। अगर सहमत हो तो इसे आगे भेजें, लोकतंत्र में विश्वास है तो इसे आगे शेयर करें। अब दिमाग लगाकर जरा यह सोचिए कि अगर कोरोना संक्रमित बीमारी है तो परिंदे और जानवर को अभी तक कैसे नहीं हुआ? ये कैसे बीमारी जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है? कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में ही क्यों मौत आती है? ये कैसे बीमारी है, कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है। कोरोना संक्रमित बीमारी है जो जलसे में, रैली में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल खांसी चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। गजब का कोरोना वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं बनी, फिर भी लोग 99% ठीक हो रहे हैं। यह कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने से सब बीमारी खत्म हो गई और अब जो भी मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है? ज़रा सोचिए, साबुन और सैनिटाइजर से कोरोना मर जाता है तो इसको मारने की दवाई क्यों नहीं बनाई? यह कैसा कोरोना है, हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकाल कर लाश को ताबूत में छुपा कर खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी दी जाती है? है कोई जवाब? अगर है तो ज़रूर देना, अगर नहीं है तो सोचना कि कोरोना की आड़ में क्या चल रहा है। कुछ हॉस्पिटल से न्यूज़ आ रही है कि सुबह मरीज को भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज़ मिलती है कि मरीज़ के कोरोना से मौत हो गई। क्या सुबह से शाम तक कोरोना की रिपोर्ट भी आ गई और शाम को कोरोना से डेथ भी हो गई और लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया? इनके हिसाब से तो कोरोना की कोई स्टेज नहीं होती। जो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए वो कैसे ठीक हुए? 15 से 20 दिन में तो कनिका कपूर भी ठीक होकर घर चली गई। आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो कनिका की 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 6ठी रिपोर्ट में नेगेटिव आई और गरीबों की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और शाम को उनकी डेथ भी हो जाती है? क्या गरीब और मध्यम वर्ग की सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव या डेथ? हैरानी की बात है कि कोई खांसी, जुकाम, बुखार और कोई लक्षण नहीं, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव। कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है? किडनी ही क्यों, आँख, लीवर, ब्लड, प्लाज्मा और भी बहुत पार्ट है। क्या कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यक्ति के पार्ट्स की कीमत करोड़ों रुपए है। क्या कोरोना की आड़ में कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि मृत देह को घर वालों को नहीं देते और ना ही कोरोना के नाम से घर वाले बॉडी लेते हैं और बंद लिफाफे में क्या हुआ है बॉडी के साथ किसे पता? सबको मिलकर ऐसा कदम उठाना होगा जिससे कम से कम ऐसे की निगरानी में जांच हो ताकि हकीकत सामने आए। इस मैसेज को अपने तक मत रखिए, आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए। फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आप कि चल रही महामारी से सबक लेकर अपने आप को या स्वयं को कुछ निजात पा सके। अकॉर्डिंग टू गूगल 12% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इसीलिए होते बिकॉज लोग मोबाइल फोन। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ही टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। It was not a major one. तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम, सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बेटा हॉस्पिटल में मांग कहाँ से आएगा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा?
नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको दो चार बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म चिपकाने का। हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर 601 बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है। बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया था कि वो मर गई। देखिए मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं, ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट ट्रीट अ न्यूसेंस। इधर के यही रूल्स हैं, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीस, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं तो, मुझे काम है, मैडम को वर्षों ले जाओ। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना, चल रे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए, ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरो। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा, आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? आओ कराते हैं। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ही मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है, ये दवाइयां और इंजेक्शन है, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना, बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहां पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ए, ये ले, ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किक किक करता है। अरे निकल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है, आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2,00,000 रुपए। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना दो।
हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन, ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे इलाज करेंगे, वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुए का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या, मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं पागल हूँ? ये देखिए पढ़िए, इसे क्या लिखा है इसमें पढ़िए। सुपर हॉस्पिटल डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM पेशेंट से रामनाथपुर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे गांड बजा रहे थे? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? कितने चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए आप लोगों का नाटक खत्म हो गया, बुलाएं अपने बॉस को। Come on, बॉस को बुलाएं। Come on, out, out, out। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि सभी हॉस्पिटल्स सभी डॉक्टर्स एक ऐसा स्कैम चला रहे हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लोगों का ट्रीटमेंट करके इस महामारी से निजात पाया जा सके। वे जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य पावर को न मानकर हॉस्पिटल्स एवं उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने में ही लोगों की भलाई साबित हो सकती है। इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद के उम्मीद में हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है,
और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे, उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजक बना दिया गया है, और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा, और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों मजारों मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना से रिलेटेड उसके कुछ प्रॉब्लम्स तथा उसके कुछ बेहतरीन सॉल्यूशन के बारे में, जिसको अपना कर आप स्वयं को कुछ हद तक स्वस्थ एवं निरोगी बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम पे ऑक्सीजन कमी की जो महामारी है वो आ चुकी है, जिससे हम सभी को संभालना है एवं हमेशा स्वस्थ बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।